प्रिफर करती हूँ क्योंकि ये घरेलू उपाय ऐसे हैं जो हमारे घर में हमारे किचन में मौजूद होते हैं और थोड़ा थोड़ा हम इसे अपनी जिंदगी में शामिल करके अपनी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप अपनी इसमें मेडिसिन बंद कर दीजिए आपको अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करनी है धीरे धीरे इन होम रेमेडीज से वो कंट्रोल में आते जाएगा उसके बाद धीरे धीरे ही वो अपना डोज को आप डॉक्टर के कंसल्ट से ही कम कर अपने आप को ऐसा नहीं कि हम होम रेमेडीज यूज कर रहे हैं तो हमें मेडिसिन नहीं ले। सबसे पहले तुलसी, तुलसी जिसकी हम बहुत, हम हम बहुत की मान्यता है कि हम उसकी पूजा भी करते हैं बहुत चीजों में इसका लाभ होता है आपको जानकर खुशी होगी कि तुलसी हमारे डायबिटीज के लिए भी लाभदायक है इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट होता है और साथ में और भी चीजें होती हैं जो इंसुलिन के वर्क को कंट्रोल करने का कार्य करती हैं तो सभी के घरों में तुलसी तो मौजूद होती ही है है ना तो आप सुबह खाली पेट तीन से चार तुलसी जो डायबिटिक पेशेंट ने जरूर लें अमलतास अमलतास के बारे में आपने सुना है क्या अमलतास का जो पत्ता होता है ना उसका रस निकाल लीजिए और वन फोर्थ कप मतलब तो बहुत थोड़ी मात्रा में सुबह खाली पेट लेना है आप तुलसी और अमलतास दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सारे होम रेमेडीज ऐसे होते हैं जो हम जानते हैं लेकिन हम उसे फॉलो नहीं करते देखिये मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज फॉलो ये सब चीजें हम नेग्लेक्ट करते हैं कि नहीं यार नहीं कौन करेगा रोज रोज है ना ऐसा नहीं है इसको करने से आपको हेल्प ही मिलेगी आपकी लाइफ स्टाइल में आप आराम से जिंदगी जी पाएंगे तो इसी में आता है करेला डायबिटिक है वो करेले के रस का स्वाद तो जानते ही होंगे थोड़ा कड़वा रहता है लेकिन ये डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक है आप चाहे ना तो इसे खीरा और टमाटर के साथ भी जूस बनाकर ले सकते हैं जिससे इसका कड़वाहट थोड़ा कम हो जाएगा जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ सलाद फ्रूट वेजिटेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो सलजम सलजम है वो डायबिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो डायबिटिक पेशेंट है वो अपने सलाद में सल्जम का उपयोग जरूर करें साथ में खाने के बाद में आप सौफ सौफ भी बहुत लाभदायक होता है तो थोड़ी मात्रा में सौफ को सेक के रख लीजिए बहुत अच्छी चीज है आपका मुंह का टेस्ट अच्छा होगा डायबिटीज में आपको हेल्प करेगा डाइजेशन में आपको हेल्प करेगा बहुत सारे इसके लाभ हैं जैसे मैंने एसिडिटी का जो वीडियो बनाया था कॉन्स्टिपेशन का बताया था सब में मैंने बताया कि सॉप का कितना महत्व है और ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी बाद में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो आप सॉप को अपने डाइट में अपनी दिनचर्या मैं अपने हर एक डाइट प्लान में कम से कम सात से दस दिन तक मेथी दाना जरूर देती हूँ लेकिन मैं डायबिटिक पेशेंट को सजेस्ट करूंगी कि वे लाइफ लॉन्ग मेथी दाना को सुबह खाली पेट जरूर लें इसे रात में आप आधा चम्मच मेथी को भिगा दें और उसे सुबह गर्म पानी के साथ गिटक जाए चबा नहीं सकते कोई बात नहीं चबाने से थोड़ा करवाहट लगता है तो आप गिटक भी जाएंगे तो भी वो आपकी हेल्प करेगा तो ये आप अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए अगर अभी तक नहीं की है तो आज से आप प्रण लीजिए मेरी वीडियो देखने के बाद कि आप इसे जरूर शामिल करेंगे आंवले का रस आंवले का रस अभी ठंड है तो आंवला तो बहुत मिल रहा है तो आप चाहें ना तो आंवले का रस को निकाल कर फ्रिज में भी रख सकते हैं आ, ये एक दो महीना चल जाता है इसे आप कंटिन्यू कर सकते वैसे तो अभी बहुत सारे बाजार में अवेलेबल है आंवले का रस मिलते हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी ना कि दस ग्राम आंवले के रस में आप दो ग्राम हल्दी मिला के लीजिए उससे भी ना बहुत आपको बेनिफिट होगा उसका बेनिफिट डबल हो जाएगा तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए आज की डेट में ग्रीन टी ग्रीन टी बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है है ना तो आप भी अपने डाइट में अपने दिनचर्या में ग्रीन टी को शामिल कीजिए ग्रीन टी में क्या होता है ना ग्रीन टी में पॉलीफिनाइल्स होता है और ये पॉलीफिनाइल्स जो होता है वो हाइपोग्लाइसेमिक जो होते हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है तो यह हमारी डायबिटीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो आप दो से तीन बार ग्रीन टी दिन भर में ले सकते हैं आपके डाइट में मैं एक और कड़वा चीज ऐड करना चाहती हूँ नीम नीम में होता है इंसुलिन रिसेप्शन सेंसिटिविटी बढ़ाने की ताकत ये क्या करता है ना हमारी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है साथ में जो हमारी धमनी सीरा आर्टरी वेन्स होते हैं उसमें जो रक्त का प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें कंट्रोल करता है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आ, इसे इससे आप रस निकाल के पीजिए आपको फायदा होगा कम से कम वन फोर्थ कप जरूर लीजिए आपका साथ ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिए मुझे ऐसे इंस्पायर मोटिवेट करते रहिए और आपकी कमेंट भी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए इससे मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है जब मैं अपना नॉलेज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है सहीजन का पत्ता सहीजन का पत्ता तो जानते होंगे ना मोंगा का पत्ता मूँगा का पत्ता बहुत ही लाभदायक होता है ये आपके ब्लड शुगर लेवल को तो कंट्रोल करता ही है साथ में आपके बीपी को भी कंट्रोल करता है हमारे छत्तीसगढ़ में तो इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है आ, इसे आप मूंग दाल के साथ मिलाकर भी बना सकते हैं या फिर बड़ी बड़ी के साथ भी मिलाकर बना सकते हैं हमारे घर में तो बहुत ही पसंद किया जाता है मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ के द्वारा तो आप भी इसे अपने डाइट में शामिल कीजिए कम से कम हफ्ते में एक से दो दिन खा और मेरा डाइट प्लान भी बहुत अच्छा चल रहा है पिछले बैच में दो मेंबर में मेरे हैं उनका थ्री एंड हाफ के जी लॉस हुआ है आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे बताएं थैंक यू धन्यवाद राधे राधे